अरे इंस्टा, क्या बात है, आज तो तुम उससे पहले ही उठ गया है। आज? अरे मैं तो रोज ही इस घर में सबसे पहले उठता हूँ। मैं भी क्या ही पूछ रही हूँ, वैसे भी तू इस घर में सबसे पहले ही उठता है। अरे हाँ इंस्टा, आज तो तेरा बर्थडे है, आज तो तू बहुत खुश और एक्साइटेड होगा, है ना? हाँ हाँ, खुश और एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ, पर मेरे बर्थडे का प्लान क्या है? वैसे इंस्टा, आज का प्लान क्या है? चल छोड़, अभी उठ के ब्रश वगैरह करते हैं, उसके बाद देखते हैं, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, चला जा। अरे इंस्टा, अब तू क्या देख रहा है, तुझे भी ब्रश करना है क्या? मैं नहीं करवा रही, खुद कर ले। यार इंस्टा, मेरा तो आज ना बिल्कुल भी नहाने का मन नहीं है, तेरा मन है क्या? नहीं, मेरा भी मन नहीं है नहाने का। मेरा भी मन नहीं है, पर यार आज ना तेरा बर्थडे है तो आज नहा ही लेते हैं। रुक, पहले मैं तुझे नहला देती हूँ, फिर मैं खुद नहा लूंगी। तेना भार मेरा उड़े मन डोल ले। मेरे को जबरदस्ती न लाया ना, अब देखना सब फाड़ दूंगा, सब गंदा कर दूंगा, सब कुछ गीला कर दूंगा, देखना। इंस्टू, कौन सा वाला पहनेगा, रेड या येलो? ये रेड वाला। ठीक है, ये वाला पहनेंगे। हो गया, चलो आज। आज तेरे भाई का बर्थडे है, बर्थडे। अरे क्या बात है, हैप्पी बर्थडे भाई। ओ थैंक यू। ओ भाई बुरे, भूल गया क्या, तेरे भाई का बर्थडे है। ओ भाई, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। थैंक यू यार। ओ इंस्टा भाई। ओ वीरे, तेरे भाई का बर्थडे है, तेरे को याद है, भूल गया? इंस्टा भाई, याद है, आज तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू यार। चलो भाई अब घर चलते हैं, बहुत कर ली वॉक। सिब्बू दीदी, अब घर चलते हैं ना, आज तो बहुत वॉक कर ली। अरे यार, एक तो पता नहीं और ही कितना घुमाएंगी, ये नहीं कि मेरे बर्थडे की कोई प्लानिंग कर ले। आज तेरे भाई का बर्थडे है, बर्थडे। क्या बात है भाई, पार्टी होगी, पार्टी आज तो। ये बता क्या खिला रहा है मुझे आज? भाई जो तू बोले, बता क्या खाएगा, मलाई चिकन, तंदूरी चिकन, चिली चिकन, बटर चिकन, बोल क्या खाएगा।
क्या भाई हल्के में निपटा रहा है क्या भाई? तू तो कितने बड़े घर में रहता है और हमें देख हम तो रोड पे गुजारा करते हैं। कोई अच्छी ट्रीट दे, आज तो तेरा बर्थडे है भाई। ठीक है भाई, जो तुम बोलोगे वो खिला दूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, लेकिन शाम को पार्टी में जरूर आना। जा इंस्टू, प्यास लग गई, थोड़ा गला गीला कर लेता हूँ। अबे ओ, तू यहाँ पबजी खेल रहा है? तूने इंस्टा को विश किया? तुझे पता है आज इंस्टा का बर्थडे है? क्या दीदी, आज इंस्टा का बर्थडे है? हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। भूला। हैप्पी बर्थडे इंस्टा, हैप्पी बर्थडे इंस्टा मेरे भाई। लगता है ये मेरे से नाराज है। अरे मेरे भाई, तू मेरे से नाराज क्यों है? मैं तेरा बर्थडे भूला थोड़ी था, बस याद नहीं रहा। सॉरी, मान जाना यार, अपने भाई से नाराज होएगा तू है? ये देख तो एक बार, ये देख, तेरे लिए बिस्किट लाया हूँ, खा ले। ये खा ले। हैप्पी बर्थडे इंस्टा। उठ तो जा यार, अब खेलेंगे दोनों भाई। आजा खेलेंगे दोनों। आज इंस्टा का बर्थडे है तो बता ना क्या करें। मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें कुछ एक्साइटमेंट वाली चीजें करनी चाहिए इंस्टा के बर्थडे के लिए, ताकि इंस्टा भी खुश हो जाए। Yes! क्या 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 नहीं, क्या एक्साइटमेंट वाली चीजें? अब तुम्हारी नई तिकड़मबाजी चालू हो गई है। एक तो वैसे ही मैं तुम दोनों का बर्थडे रोज धोखे मनाती हूँ, अब तुम्हें इस कुत्ते का भी बर्थडे मनाना है। तुम दोनों की जिद की वजह से मैं इसे यहाँ पाल रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। आज तुम कह रहे हो इसका बर्थडे मनाना है, कल तुम बोलोगे इसकी शादी करनी है, परसों बोलोगे इसके बच्चे पालने हैं। अरे भाई, ये इंसानों का घर है, कुत्तों का घर नहीं है। कोई जरूरत नहीं है बर्थडे भड्डे मनाने की। वैसे भी आज संडे है, जब तक मैं किचन में खाना बना रही हूँ ना, तब तक तुम दोनों उठकर पूरे घर की सफाई कर लो। चलो उठो, बड़े आए कुत्ते का बर्थडे मनाएंगे। यार इंस्टा उतर जाना यहाँ से, यहाँ पे मेरे को सफाई करनी है। हट जा मेरे भाई। यार देख इंस्टा, तू बैठेगा तो मैं सफाई कैसे करूंगा? ओ इंस्टा, भाग यहाँ से, बाद में खेलेंगे हम। अबे यार इंस्टा, तो फिर से प्लीज भाई, अभी जा यहाँ से।
यार इंस्टा तो फिर से आ गया। यार मुझे पता है तेरा बर्थडे है, तो फिर मैं क्या करूं? सब अपने अपने में लगे पड़े हैं। मैंने सोचा क्या था और मेरे बर्थडे पे हो क्या रहा है? जब खुद का जन्मदिन होता है तब तो बर्थडे रात के 12 बजे से लेके अगले दिन के 12 बजे तक एक्साइटमेंट में रहते हैं। एक ने तो बस सुबह विश कर दिया और एक तो मेरा बर्थडे भूल ही गया। अरे भाई मैंने थोड़ी बोला था मुझे ले आओ, जब बस की होती नहीं है तो पालते ही क्यों हो? वैसे भी मैं तो मैक्सिमम 15 साल तक ही जीऊंगा। इन इंसानों की तरह 50 या 100 साल तक थोड़ी ना जीऊंगा, उसमें भी इनको मेरा बर्थडे नहीं मनाना। इस इंसानों की दुनिया में हम डॉग्स को तो कोई भी नहीं समझता। चलो छोड़ो, काश मेरा बर्थडे ही ना होता, किसी से एक्सपेक्टेशन रखना ही बेकार है। यार मिक्की देखना इंस्टा कितना सैड बैठा हुआ है। सुबह सुबह वो कितना खुश था अपने बर्थडे को लेके, और अब अपने बर्थडे को लेके कितना सैड बैठा हुआ है। हाँ दीदी, जब हमने सुबह उसे बर्थडे विश किया था जब वो कितना खुश था, और जब आप उसे घुमाते लाए थे तब भी कितना खुश था, और जब से मम्मी ने बोला है कि इस घर में कुत्तों का बर्थडे नहीं बनेगा तब से बेचारा कितना सैड है। चल ना मिक्की, हम दोनों ना एक काम करते हैं, इंस्टा के लिए हम दोनों मिलके कुछ सोचते हैं। हाँ दीदी। मिक्की मैंने ना कई मूवीज और कई यूट्यूब वीडियोस में देखा है कि कुत्तों के लिए अलग से डॉग केक आता है, तो हम ना इंस्टा के लिए वो लेकर आएंगे। हाँ दीदी, हम ना इसके साथ साथ ना इसके लिए डेकोरेशन भी करवा देंगे, इसको बैलून से खेलना पसंद है ना इसलिए। हाँ, और मिक्की हम ना इसके बर्थडे पर आज इसके लिए नए कपड़े भी लेकर आएंगे। हाँ दीदी ये अच्छा आइडिया है। चल तो ये बता मुझे कि तेरे पास अभी कितने पैसे हैं? वो तो दी देखना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, तू जा चेक कर कि तेरे पास टोटल कितने पैसे हैं, और मैं भी चेक करती हूँ कि मेरे पास कितने पैसे हैं, फिर हम दोनों को काउंट करेंगे, ठीक है? ये देखो दी मेरे पास इतने पैसे हैं। देख मिक्की मेरे पास भी इतने पैसे हैं। चल अब इनको बैठ के ना काउंट करते हैं कि टोटल कितने हैं। 100, 200, 50, 250, 260, 70, 80, 90, ये हो गए 290 मेरे गिनते अब। हाँ। 100, 150, 170, 80, 190, 200 है मेरे पास, और ये 13 रुपए और है। यार 503 रुपए, इसको काउंट करके टोटल मतलब 503 रुपए हुए। अरे यार मिक्की इतने कम पैसों में तो यार एक केक भी नहीं आता। आजकल केक भी 700-800 रुपए का आता है, और हमें तो इंस्टा के कपड़े भी लेने हैं, वो डेकोरेशन भी तो करवानी है। यार मिक्की हमें कुछ तो करना पड़ेगा यार, भाई प्लीज कुछ तो सोच यार, वरना इंस्टा का बर्थडे स्पॉइल हो जाएगा। हम मम्मी से मांग लेते, लेकिन मम्मी भी तो पैसे नहीं देंगी। बिल्कुल नहीं देंगी। हाँ आइडिया, मेरे पास एक प्लान है। तू बस मुझे ये बता कि तू बीमार होने की एक्टिंग कर सकता है। बीमार होने की एक्टिंग? लेकिन क्यों कर दे बीमार होने की एक्टिंग?
मैं कैसे ही कर पाऊंगा। अरे बेवकूफ, तुझे ना कुछ भी नहीं करना, तुझे सिर्फ वो ही करना है जो तू डेली सुबह करता है, जिससे तुझे स्कूल ना जाना पड़े। मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मम्मी मैं मर जाऊंगा, बस तुझे यही करना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। वो तो मैं कर लूंगा दीदी, लेकिन प्लान क्या है ये तो बताओ। अबे यार तू ना बस अपनी एक्टिंग पे ध्यान दे, एक्टिंग बस बेस्ट होनी चाहिए, बाकी सब बोला ना मैं संभाल लूंगी। एक्टिंग कर लेगा? हाँ हाँ। पक्का? पक्का। थोड़ा करके दिखा। मम्मी मेरा पेट दर्द हो रहा है, उए, उए, आज तो मैं मर जाऊंगा। बस 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 बस, देख लिया, बस ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे। चल। ऑल द बेस्ट, शुरू हो जाए। मम्मी मम्मी बचा लो मुझे, मेरा पेट बहुत तेज दर्द हो रहा है, आज तो मर ही जाऊंगा मैं आज। अरे यार बचा लो, मम्मी प्लीज बचा लो मेरे को। मैं तो गया आज। क्यों क्यों? मेरा पेट दर्द हो रहा है, सर भी दर्द हो रहा है, आज तो मैं मर ही जाऊंगा, भगवान मेरे को बचा लो। मैं गया आज, आज तो मैं मरूंगा। मम्मी मेरा पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है। अच्छा रुक रुक रुक, मैं सिब्बू को बुलाती हूँ। सिब्बू सिब्बू बेटा इधर आ जल्दी। हाँ मम्मी। देखना मिक्कू को क्या हो गया, ऐसा कर तू डॉक्टर को फोन कर, उसे ना मैं घर ही बुला लेती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, डॉक्टर को घर क्यों बुला रहे हो, वो आने के एक्स्ट्रा पैसे लेगा, हम तो वैसे इतने गरीब है और मेरा इलाज कराने के चक्कर में और गरीब हो जाएंगे, बर्थडे तक के तो पैसे नहीं है हमारे पास। क्या 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 बोला तू? अरे मम्मी वो ये कहना चाह रहा है कि आप डॉक्टर को घर पे क्यों बुला रहे हो, अगर आप डॉक्टर को घर पे बुलाओगे तो जाहिर सी बात है वो होम विजिट के एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, हमें फालतू के पैसे क्यों देने डॉक्टर को, आप ना डॉक्टर के लिए जो पैसे हैं वो मुझे दे दो, मैं इसको लेके जाती हूँ डॉक्टर के पास और इसको दवाई दिला लेती हूँ, आप घर संभाल लेना। हाँ बात तो बिल्कुल ठीक बोल रही है, तू ना बिल्कुल मुझ पे गई है, एकदम कंजूस। निक्की बेटा तू चल के जा तो पाएगा ना डॉक्टर तक? हाँ मम्मी चला तो जाऊंगा ही, मरता इंसान क्या ना करता। ठीक है मैं ना पैसे दे देती हूँ। कितने लगेंगे, चल तो पूरे ले जा। और ना इसे सही से डॉक्टर को दिखा के दवाई लिखवा लियो, ध्यान से ले जाइए इसको। अरे वाह दीदी, मिशन सक्सेसफुल रहा। हाँ चल चल, बहुत सारा सामान लेना है। भैया। हाँ जी। ये डॉग के लिए केक कहाँ मिलेगा? आगे मिलेगा। देख मम्मी अभी कहीं भी नहीं दिख रही हैं। इससे पहले मम्मी हमें इतने सारे सामान के साथ देख ले कि ये सारा सामान हम इंस्टा के लिए लेकर आए हैं, इससे पहले तू जाके इसको सब कुछ बेड के पीछे छुपा दे। मम्मी मैं ठीक हो गया, डॉक्टर ने दवाई दे दी, तो एक्सरसाइज कर रहा था। मिक्की क्या मस्त एक्टिंग करी भाई तूने, मजा ही आ गया, मम्मी का सही पागल बनाया। दीदी आपने भी तो पूरा साथ दिया है, आपके बिना तो मैं कर ही नहीं पाता। हाँ ये तो है, देख इंस्टा हम तुझसे कितना प्यार करते हैं, तेरे लिए बर्थडे की कैप भी ले आए और अपने लिए दो छोटी छोटी लाए हैं, तेरे लिए बड़ी वाली लाए हैं और तेरे लिए केक भी लेकर आए हैं और ये देख तेरे नए कपड़े, ये खुश हो जा। सही है भाई, लेकिन मिक्की हम इतना सारा सामान तो लेकर आए हैं पर यार अब इसको डेकोरेट कैसे करेंगे, मम्मी को क्या बोलेंगे, मम्मी के सामने तो हम डेकोरेशन भी नहीं कर सकते यार, बता क्या करे। निहायती नलायको झूठे मक्कारो, तुमने अपनी माँ से झूठ बोला, वो भी बीमारी का ड्रामा करके, दवाई के लिए घर से पैसे ले गए, ये तो एक तरह की चोरी हुई ना, अब चोरियां भी करनी शुरू कर दी तुम लोगों ने,
पहले स्कूल ना जाने के लिए बहाने बनाते थे, अब घर से पैसे निकलवाने के बहाने बनाते हो है? अरे यार मम्मी इनको क्यों डांट रही है, ये सब तो मेरी वजह से हुआ है। मम्मी माना कि हमने झूठ बोला आपसे पैसे लिए, पर हमारा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, हमने तो सिर्फ इसलिए झूठ बोल के पैसे लिए ताकि हम इंस्टा का बर्थडे मना सके। हाँ मम्मी आप हमें इंस्टा के बर्थडे पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं दे रहे थे, इसलिए हमें बीमार होने की एक्टिंग करनी पड़ी और आपसे झूठ बोला। मम्मी हमने इंस्टा को पाला है, अगर हम इंस्टा का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करेंगे तो फिर और कौन करेगा? मम्मी हम तो अपनी खुशी में खुश हो जाते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, अपने दुख में रो लेते हैं, आप मेरी सुन लेते हो, मैं आपकी सुन लेती हूँ, लेकिन ये बेजुबान तो कुछ भी नहीं कर सकता ना, तो क्या हम इसकी खुशी के लिए इसका बर्थडे नहीं मना सकते? और मम्मी देखो आप हमें इंस्टा की वजह से डांट रहे थे ना, इसलिए इंस्टा आपको सॉरी बोलने के लिए आपके पैरों पे आकर लेट गया। मम्मी देखो ना इंस्टा कितना ज्यादा सैड लग रहा है, मम्मी प्लीज इंस्टा बहुत दुखी है, प्लीज हमें उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए प्लीज परमिशन दे दो मम्मी। प्लीज मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी प्लीज मम्मी मान जाओ। अच्छा चलो जाओ मना लो इसका बर्थडे। yes! लेकिन आज जो तुमने पैसों के लिए मुझको झूठ बोला ना बहुत गलत किया, ठीक है? थैंक यू मम्मी। शैतानी नहीं करना आपसे। वैसे अच्छे तो लग रहे हैं इंस्टा पे। बात सुनो तुम लोग इंस्टा के लिए इतना प्यारा केक लेकर आए हो, इतनी अच्छी डेकोरेशन की, नई ड्रेस लेकर आए, उसके गिफ्ट नहीं लेकर आए? अरे हाँ दीदी मैं तो इंस्टा के लिए गिफ्ट लाना भूल ही गया। हाँ मिक्की मैं भी इंस्टा के लिए कोई गिफ्ट नहीं ले पाई, लेकिन मेरे पास इंस्टा के लिए एक सरप्राइज है। अच्छा कैसा सरप्राइज मम्मी? ओ टेम्पो भाई, ओ भाई तू आ गया यार, थैंक यू यार, थैंक यू, तूने तो आज मेरी पार्टी में चार चांद लगा दिए। अरे मम्मी
आपने इसको क्यों बुलाया? अच्छा तुम लोगों को क्या लगता है सिर्फ तुम दोनों इंस्टा को प्यार करते हो? मैं भी इंस्टा को बहुत प्यार करती हूँ, तभी तो तुम लोग इसके लिए गिफ्ट लाना भूल गए, लेकिन मुझे याद था इसलिए मैंने उसके बेस्ट फ्रेंड टेम्पो को उसके बर्थडे पे बुलाया। चलो अब तो खुश हो ना तुम लोग, हैप्पी बर्थडे इंस्टा, एंजॉय करो पार्टी, मैं जा रही हूँ लेट में। क्या है वफा, क्या है एतबार, तुझसे ही सीखा मैंने, तुझसे ही सीखा। क्या है ये दिल, क्या है ये प्यार, तुझसे ही सीखा मैंने, तुझसे ही सीखा। तुझसे ही सीखा मैंने, तुझसे ही सीखा। बहुत अच्छी हो गया और मैं भी अच्छी हूँ यार। गाइस सॉरी मैं काफी टाइम बाद यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और लिटरली मैं सच बताऊँ तो मैंने इस वीडियो में बहुत मेहनत करी है, खुद पे तो मेहनत करी इस इंस्टा पे भी मेहनत करी, पर इंस्टा ने सच में बहुत खुश कर दिया मुझे, बहुत अच्छी एक्टिंग करी। वन टेक दे रहा था इंस्टा, तो इंस्टा ने मेरे कान में बोला कि मेरे को भी आना है शाउट आउट में, और मैं भी लोगों से बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, और स्पेशली आप मुझे प्लीज कुछ बताओ या ना बताओ, लेकिन इंस्टा की एक्टिंग कैसी लगी ये जरूर बताना। इंस्टा ये जानने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है ना इंस्टा? तो गाइस प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे नहीं पता कर देना इंस्टा के लिए, मेरे लिए नहीं इंस्टा के लिए। ओके बाय, लव यू पप्पी दे, किसी दे, चलो गाइस इसकी तरफ से मैं।